भूपेंद्र सिंह जी थे, मैं भी हूँ ऐसे था। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उस वक्त भूपेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में काम कर रहे थे, और उस वक्त जब क्रिकेट की बात आई तो मुझे वो याद ताजा कर रहा हूँ मैं आपके साथ मिलकर, क्योंकि आप चौधरी वीरेंद्र सिंह का प्रोग्राम है 50 साल का जीवन कैसा रहा इस पर चर्चा करेंगे बहुत साथी, लेकिन मैं उन साथियों में से हूँ जो बड़ा दबंग रहा हूँ सारी जिंदगी, और स्पष्ट चुनाव के अंदर मैं कृष्ण मूर्ति जी से वो बात साझा करना चाहता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा को वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई हुड्डा एमपी बन सकता तो वो एमपी की तरफ नहीं था, तो बोला मैं तिरोही सीरीज को दूंगा। वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तिरोही का अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस की सीट पर जीत सकता है तो वो कृष्ण मूर्ति हुड्डा है, इसको दूंगा। यूं बोले उसको कैसे जो दूंगा, बोला दूंगा तो जीतेगा, दूंगा उसी को, देख भाई की राजनीति में ऐसा नहीं चलता। मेरी अगर कोई मन मुदाव है वो अलग बात है, लेकिन आज कांग्रेस की पार्टी का झंडा मेरे हाथ में है, उसको खुला करना वो आप जीतते कृष्ण मूर्ति हुड्डा को टिकट दिया थी। ऐसे मेरे सुभाष भाषा के ये बैठे वर्णान है यहाँ पर, और बड़े कांग्रेस में बड़े गुजारू रहता है अपने जीवन में, और वीरेंद्र सिंह के पुराने साथियों में से ये भजन लाल भी और बड़ा दम है ये मेरी तरह भजन लाल को बुलाएंगे। नमस्कार है भजन लाल जी का नाम रख दिया किसी सुभाष चंद्र जी के मुकाबले में पंजाबी लोगों के उनका नाम रख दिया। और वीरेंद्र सिंह के साथी पुराने वीरेंद्र सिंह जी को बताओ सुभाष जी को ये हो रहा है, बोला कैसे, बोला जब तक मैं जीऊंगा ना अध्यक्ष मैं हूँ लड़के टिकट दुबई लड़के। तो भाई भजन आप वीरेंद्र सिंह जी आप 50 साल का जीवन यात्रा की बातें होंगी बहुत सी, लेकिन मेरे संस्थानों में जो आएगी कमल सिंह भाई हमारे भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, गिराए हल्के से कई बार एमएलए बने हैं, और वो भी यहाँ पर आए आशीर्वाद देने भाई वीरेंद्र सिंह को। पारिवारिक संबंध बहुत पुराने रहे, पार्टी चाहे किसी में रहे, लेकिन पारिवारिक संबंध आज के कमल सिंह जी के और वीरेंद्र सिंह जी के बहुत अच्छे और मधुर है। और ये गुरुवेश बिश्नोई जी भी यहाँ पर विद्यमान है जो HPSC के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के 11 साल मेंबर रहे, 5-6 साल को मेंबर रहे और 5-6 साल के करीब उस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वो भी आज आए हैं मित्र हैं वीरेंद्र सिंह जी के। और जोगीराम जी MLA आए हुए हैं, भगत सिंह जी का मैंने नाम ले दिया, और हेमंत जी MP हैं वो बनवाना से चुनाव लड़े थे वो भी मिले हुए हैं, और बलदेव बाबी जी हमारे साथी हैं वीरेंद्र सिंह जी वो भी आए हुए हैं, और चौधरी रामकिशन बैरागी जी वो भी यहाँ पर विद्यमान है। इतने उम्र में इन्होंने कभी साथ वीरेंद्र सिंह का नहीं छोड़ा, जब तक जीवन यात्री तक रहा वीरेंद्र सिंह के साथ रहे, वो भी यहाँ पर है। गुरप्रीत सिंह जी भी आए हुए हैं जो भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, वो भी विद्यमान है यहाँ पर। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, देखो भाई अब मैं कोताही नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा सबसे निवेदन है जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए तो बड़े जोर से तालियों से उनका स्वागत करेंगे आपका। हरदी लगी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। भाई ब्रजेंद्र सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं, कुछ बातें मुझे याद भी दिला रहे हैं, और मैं नाम शायद लेना भूल गया,
मेजर नरपेंद्र सिंह जी है वो भी यहाँ विद्यमान है, एक्स एमएलए है दादरी से, वो भी आए हुए हैं। मास्टर जोगी राम जी एक्स एमएलए है, वो भी यहाँ पर विद्यमान है। राव नबी सिंह आत्मा राम आत्म प्रकाश जी है।